बाड़मेर के भामाशाह बादल सिंह दहिया की ओर से रक्षाबंधन स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एक रिसोर्ट में आयोजित हुए समारोह में सभापति दिलीप माली सहित कई पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। स्नेह मिलन समारोह को गई अतिथियों ने संबोधित करते हुए स्नेह भोज का आनंद लिया। सोमवार रात को शहर के निजी रिसोर्ट में एक स्नेह मिलन में नगर परिषद के पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर शहर के सर्वांगीण विकास पर सार्थक चर्चा करते नजर आए। सभी ने एक शहर की समस्याओं के समाधान के लिए कदम बढ़ाने की बात कही। पूर्व पार्षद बादल सिंह के स्नेह भोज में बाड़मेर नगर परिषद सभापति दिलीप माली और सभी पार्षदों ने शहर के विकास के लिए लंबी सार्थक चर्चा की। स्नेह भोज में पूर्व पार्षद बादल सिंह ने कहा कि आयोजन का मकसद सभी प्रकार के मनभेद और मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर शहर के विकास और समस्याओं के समाधान की कही। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष आपस में कोई टकराव नहीं है, अब शहर के विकास के लिए नई शुरुआत करने का समय है। शहर की हर समस्या से हर स्तर पर निपटने के लिए सभी साथ मिलकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता, विपक्ष और नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर शहर के विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारेंगे। सभी ने बाड़मेर को स्मार्ट सिटी बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए दुगनी गति से आगे बढ़ने की बात कही। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने कहा कि जनता ने उन लोगों को चुनकर भेजा है जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शहर के विकास के लिए ऐसा काम करें कि आगे भी आपको जनता चुनाव में जिताकर प्रतिनिधित्व का मौका दे। उपसभापति सुल्तान सिंह देवड़ा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ निकाय के अधिकारी कर्मचारी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। सभी मिलजुल कर काम करते हुए सिमडेगा शहर को सुंदर शहर बनाने में सहयोग करें। काफी दिनों से बादल सिंह जी कह रहे थे एक स्नेह मिलन सभी पार्षदों का या साथियों का एक प्रोग्राम रखना है, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से इसका मौका ही नहीं मिला और अब धीरे धीरे कोरोना महामारी पर काफी काबू पा लिया है। इसके मद्देनजर इन्होंने जो समारोह रखा है उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये हम सभी के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरणा स्रोत है। रक्षाबंधन पर्व पर आप सभी बधा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस भोज में शामिल होकर हमें अनुग्रह जरूर कराए। कोई भी ध्यान रहे कि कोई यहाँ से ऐसे भी ना निकल जाए। आयोजन में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी ने कहा कि जहां तक शहर के विकास की बात है, इस मामले में हम सबको प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। आयोजन में अतिथियों को स्वागत डीसीएन लाइव के प्रबंधक केएल डलोरा ने किया। आयोजन में नगर परिषद के सभी पार्षद, परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।